पहले मैंने आपको फीचर व्हाट्सएप को बताया था कि व्हाट्सएप स्कैन वाला, जिसके जरिए आप किसी दूसरे का व्हाट्सएप स्कैन करके कुछ टाइम के लिए अपने मोबाइल में देख सकते हो भाई वो किस तरह किसको मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है, और आप अपने एंड से रिप्लाई भी कर सकते हो इनके वो बंदा ऑनलाइन है। लेकिन भाई अब व्हाट्सएप ने एक ऐसा तबाही का फीचर लाया कि आप बोलोगे कि भाई मजे आ गए। तो वो फीचर मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि आप में से बहुत से लोग ये कमेंट करने वाले, भाई अभी आपने गैर कानूनी ऐप्स वाली वीडियो नहीं पोस्ट की, तो भाई 1000 कमेंट्स आपको कहा था आपने नहीं करा। अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट होते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो जो गैर कानूनी ऐप्स वाली ऐप मैंने आ रही ढूंढ के रखूंगे बहुत ही तबाही के। तो भाई करना क्या है, मतलब व्हाट्सएप को पहले वो फीचर आप देख लो, यहाँ पर आपको पहले फीचर थोड़ा दिखा दूं कि ये फीचर काम किस तरह करता है, बाकी की बाद में करते हैं। लाइक वाइज भी आपने ऑलरेडी कर रखा है, कमेंट भी कर रहे हो, मतलब क्या बात है, क्या बात है। ओए, तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो मैं अपने व्हाट्सएप में आ गया, मैं यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद लिंक डिवाइस पे क्लिक कर रहा हूँ। और भी व्हाट्सएप की वैसे काफी छोटी छोटी अपडेट्स आई हुई है जो मैं 4-5 इकट्ठी करके एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही मजे की अपडेट है। इसमें मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई 2 साल पहले, लेकिन तब ये फीचर बहुत ही थका हुआ था, अब बहुत ही ओपी हो चुका है, स्टेबल हो चुका है बेसिकली, और अब लिंक का मल्टीपल डिवाइस का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यूज व्हाट्सएप ऑन एन अदर डिवाइस, ठीक है, यहाँ पर आप लिंक डिवाइस पे अगर क्लिक करोगे तो आप लोग एक व्हाट्सएप को, इस मोबाइल के व्हाट्सएप को अपने दूसरे मोबाइल पे, तीसरे चौथे मोबाइल पे और लैपटॉप पे कहीं पर भी यूज कर सकते हो, अपने कंप्यूटर पे, और वो बेशक ये मोबाइल, इस मोबाइल में व्हाट्सएप है, मैं इस मोबाइल का व्हाट्सएप इधर चलाता हूँ, यहाँ से बेशक मैं इंटरनेट ऑफ भी कर दूँ ना, तो यहाँ पर मैं उससे बात कर सकता हूँ, मतलब किसी भी बंदे को मुझे मैसेज आता है मैं उससे इजीली बात कर सकता हूँ, तो काफी कूल फीचर है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, किसी अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, ये आपके दोस्त का है, आप चाहते हो कि उसका व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल में चलाओ, उसको पता भी नहीं चले, उसका मोबाइल उठाओ, ठीक है, सिंपली करो क्या, यहाँ से 3 डॉट्स पे जाओ, लिंक डिवाइस पे जाओ, ठीक है, उसके बाद लिंक का डिवाइस पे क्लिक करो। और हाँ, आपने अगर देखना कि आपका तो कोई नहीं यूज कर रहा, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि ये मेरा जो व्हाट्सएप है इस मोबाइल वाला, वो गूगल क्रोम में ऑलरेडी लॉग इन है, मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ, यानी फिर मेरा जो व्हाट्सएप अगर कोई बंदा यूज कर रहा है तो उसके पास नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिंक का डिवाइस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपसे मांगेगा पैटर्न आप लगाओ या फिंगरप्रिंट जो भी है वो लगाओ, उसके बाद भाई आपने चले जाना है दूसरे मोबाइल में, ये आपका मोबाइल है, ये आपके दोस्त का मोबाइल है जिसका आप व्हाट्सएप चाह रहे हो अपने मोबाइल में इस्तेमाल करना, ये भाई आप अपने मोबाइल में चले गए। यहाँ पर जाकर आपने गूगल पे सर्च करना है व्हाट्सएप ऐप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्सएप ऐप ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है, यहाँ से आपने पहली वेबसाइट पे चले जाना है। लेकिन उससे पहले ये चीज आपने देख लेनी है कि ये डेस्कटॉप साइट पे ही आप कर रहे हो, डेस्कटॉप साइट का क्या मतलब होता है, आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ से भाई आपने सिंपली चले जाना है, एक मिनट, हाँ यहाँ से आपने चले जाना है, ये नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट मोबाइल साइट, तो हमने रिक्वेस्ट मोबाइल साइट नहीं, यहाँ पर आपका लिखा होगा रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट या डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, अगर आप ये, मैं क्योंकि आईफोन में कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये नीचे वाली साइट पे, अगर आप मतलब एंड्रॉइड में कर रहे हो गूगल क्रोम में, तो आपके जो 3 डॉट है ऊपर वाली साइट पे होंगे, उन पर क्लिक करके आपने डेस्कटॉप सर्च कर लेना है, कहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भी इसी तरह ये आ जाएगा, ठीक है, ये लाजमी पहले कर लेना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक लाजमी करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने सिंपली करना है कि आपने यहाँ से पहली वेबसाइट पे चले जाना है, पहली वेबसाइट पे गए ओके, सो यहाँ पर भाई सिंपली आपने क्या करना है, इस तरह का आपके सामने जो है एक इंटरफेस आ जाएगा, एक आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, अब आपने उस अपने दोस्त के मोबाइल पे जाना है, यहाँ से लिंक का डिवाइस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने वही अपना अगेन पैटर्न, ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस होगा। अब आपने अपना अपना मोबाइल यू इसके सामने रखना है और यूं आपने इसको यहाँ से स्कैन कर लेना, आप एक मिनट रख ले मेरा कैमरे की, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बुरी तरह टूटा पड़ा है, ये थोड़ा कैमरा गंदा है तो इस वजह से ये टाइम ले सकते हैं, इसको थोड़ा रोशनी में करता हूँ। ओके, लॉगिंग इन आ रहा है, यानी आप सीन होगा ये कि मेरा यहाँ वाला जो व्हाट्सएप है इस मोबाइल वाला वो सारा यहाँ पे, यानी ये आपके दोस्त का मोबाइल था इसका व्हाट्सएप सारा यहाँ पे चला जाएगा। अब बेशक यहाँ से इंटरनेट को ऑफ भी कर दिया जाए ना, बेशक ऑफ कर दिया जाए, डिलीट व्हाट्सएप कर दिया जाए, लेकिन वो व्हाट्सएप यहाँ पर रहेगा, बहुत ही मजे का फीचर है, यानी आप लोग किसी दूसरे का व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और अगर मेरे लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट क्योंकि मैं लैपटॉप पे काम वगैरह कर रहा हूँ तो मैं बार बार मोबाइल को नहीं छेड़ सकता, तो मेरे जो व्हाट्सएप के मैसेज मुझे वहां पर ही रिसीव हो जाए, मैं वहां से ही रिप्लाई कर सकता हूँ। अब हम करते हैं यहाँ से जो इंटरनेट है इसको करते हैं ऑफ, और यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, और तो यहाँ पर मैं अपने ही नंबर पर मैसेज करता हूँ, ठीक है, हाय, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैसेज जो है व्हाट्सएप टेस्ट के ऊपर आ गया मेरे पास, ठीक है, ये मैं इस मोबाइल में ये वाला व्हाट्सएप भी अब हो गया और मेरा अपना भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर एक और मैसेज कर लो, वॉइस नोट अगर आप करना चाहते हो वॉइस नोट भी कर सकते हो, ठीक है, अलाउ रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बेशक कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है, ये मोबाइल आपके दोस्त का बेशक ऑफलाइन है, कहीं गिर गया कुछ भी है, लेकिन आप यहाँ पर स्टिल व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, काफी कमाल का फीचर है, एक बार आप इसको लाजमी यूज कीजिएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो मेरा आज वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।